ये मकान डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे अलॉट किया और लगभग डेढ़ दो महीने इसका रेनोवेशन में लग गए, क्योंकि काफी समय से इसका रेनोवेशन नहीं हुआ था। इससे पहले हमारे नरेंद्र तोमर जी केंद्रीय मंत्री इसमें रहते थे, तो एक डेढ़ दो महीने इसमें लग गए और थोड़ा इसमें समय इसलिए भी ज्यादा मैंने उनको दे दिया क्योंकि हरियाणा का चुनाव था, उस कारण से मुझे भी समय नहीं था। तो ये तैयार हुआ, आज एक अच्छा दिन देख करके, विजयदशमी का दिन है, दशहरे का दिन है, तो आज हवन करा करके और गृह प्रवेश किया है और इस अवसर पर आप सब लोग आए पधारे, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार जैसा मैं आज आपके माध्यम से विजयदशमी की बधाई पूरे देश को, प्रदेश को, सभी जन को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। आज का दिन जो है बुराई पर अच्छाई की जीत, मर्यादाओं के पालन का दिवस, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम राम ने एक जो एक मर्यादाओं का पालन अपने जीवन काल में किया वो आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। तो समाज जीवन में एक अच्छा वातावरण माहौल बने, आज के दिन विजयदशमी के दिन जो रावण दहन होता है वो भी एक प्रकार का बुराई का दहन होता है, ऐसा एक प्रतीक के रूप में होता है। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से देश और समाज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। सर, देर रात एक मीटिंग चली लंबी, क्या लगता है कैबिनेट के नाम वगैरह? देखिए, पार्टी संगठन में इस प्रकार की मीटिंग कोई नई बात नहीं है, समय समय पर जिस चीज की आवश्यकता होती है उस हिसाब से मीटिंग होती है, करनी होती है, जहाँ हमको उसमें भाग लेना होता हम लेते हैं, जहाँ नहीं लेना होता वहाँ नहीं लेते हैं। आजकल जो कि हरियाणा का जो दौर है जो आप लोगों को पता ही है चला है, तो उसमें मीटिंग्स की अपनी एक महत्व है, तो उस मीटिंग की जो सारी बातें हैं वो जब कोई चीज निर्णय होगा तो आपके सामने बताएंगे। सर, कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाएगा, तारीख निर्धारित की गई है? शपथ ग्रहण की तारीख टेंटेटिव क्या मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोड हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। किस तरीके से देखते हैं सर, पहले 100 दिन को लेकर आप क्या उम्मीद करेंगे हरियाणा सरकार से, क्योंकि 9.5 वर्ष तक आपने संभाला, और आप कैसे देखते हैं 100 दिन पहले किस तरीके के रहेंगे हरियाणा के लिए, जो संकल्प रखे गए थे बीच उसको लेकर के भी किस तरीके की उम्मीदें करते हैं? देखिए, सरकार जब भी होती है, जब भी बनती है, तो उस समय ये सारी चीजें मुख्यमंत्री का अपना प्रेरोगेटिव होता है, मुख्यमंत्री अपनी टीम के साथ बैठ करके विचार करते हैं और आगे वो किस प्रकार की योजना बनाएंगे। जनहित में कभी जनता की अपेक्षाएं होती हैं, तो जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो पहले चल रही होती हैं, उनको पूर्ण करना, बहुत ऐसे नए संकल्प लिए जाते हैं, संकल्प पत्र भी जारी हुआ है, उसके अनुसार जब भी वो बैठ करके तय करेंगे अपने पहले मंत्रिमंडल की बैठक में, मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई विचार वो आपको देंगे, और जो वो देंगे मान के चलना है कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, जो कहा है सो किया है और जो किया है वही बताया है, तो इस नाते से जो बताएंगे मुख्यमंत्री जी से बताएंगे। कहा गया था कि शपथ बाद में लेंगे, पहले रिजल्ट घोषित करेंगे और वैसा ही करने जा रहे हैं, अब ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे। सर, दिल्ली चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? 3 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है, हरियाणा से काम हुआ है, पढ़ना चाहिए, इसका प्रभाव पड़ना चाहिए। कारण यह है कि कोई भी चुनाव अपने आप में एक सोलिटरी इवेंट नहीं होती, उसका जो प्रभाव होता है वो किसी प्रकार का भी परिणाम हो वो जिस प्रदेश में जिस क्षेत्र में चुनाव वहां तो होता ही, आसपास भी उसका पड़ता है, देशभर में पड़ता है। तो जिस प्रकार से हमारे जो विपक्ष के नेता बड़े नहा धोकर मुंह चौपड़ी करके और तैयार बैठे थे कि मैं तो अगला प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, वो हवा तो खिस गई। नहीं, देश के विपक्ष के नेता वो प्रधानमंत्री बनने की भी तैयारियां अभी भी से लगे हुए थे, तो उनका तो सफाया हो गया उन उम्मीदों का। और हरियाणा की जो जीत है ये संदेश हरियाणा के लिए तो है ही है, पूरे देश के लिए वो संदेश है कि मोदी जी की नीतियां, मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, उपलब्धियां हैं, वो सारे देश में असरकारी हैं, हरियाणा में भी असरकारी हैं।